तो हमने अभी पीछे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में देखा और उसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ों की तरफ ध्यान दिया और हमें यही पता चला कि प्लस और माइनस करते समय हमें बस किस चीज़ का ध्यान देना है, लाइक टर्म्स का। और लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें हमारे लिटरल कोएफिशिएंट्स सेम होने चाहिए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या ये दोनों लिटरल कोएफिशिएंट सेम हैं? तो आप देख रहे हो सर, पहले वाले में एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 1 है, इस वाले में एक्स की पावर 2 है लेकिन वाई की पावर भी 2 है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये दोनों मेरी लाइक टर्म नहीं है। तो कभी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म भी अगर लिखी जाती है तो उसमें भी जितने भी टर्म आएंगे वो सारे के सारे टर्म आपस में क्या होने चाहिए, अनलाइक होने चाहिए। तो जोड़ते और घटाते वक्त हमें बस लाइक टर्म्स को ही जोड़ना और घटाना है। और अगर मुझे a माइनस बी लिखा गया है और a मुझे x प्लस वाई दिया है और b मुझे मान लीजिए x माइनस टू वाई दिया है और a मुझे x प्लस वाई दिया और आपको a माइनस बी करना है, तो आपने x प्लस वाई लिखा फिर माइनस लिखा। अब मुझे माइनस के साथ पूरा b लिखना है तो मैंने पूरा b यहाँ पे लिखा और मुझे मालूम है माइनस की साइन अगर बाहर रहती है तो अंदर के सारे नंबर बदल जाते हैं। इसका मतलब ये x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस टू वाई हो गया। अगला स्टेप जो है उसमें मैंने यही बताया था, लाइक टर्म को एक साथ लिख लो, तो x माइनस एक्स एक साथ लिख लिए और y प्लस टू वाई एक साथ लिख लिया। x माइनस एक्स कट गया, y प्लस टू वाई आप में y बाहर निकल गया और 1 प्लस टू कितना हो गया, 3। इसका मतलब y 3 मतलब कितना हो गया, 3y। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर वाई जेड लिखा है तो इसका असल में मतलब यही है कि एक्स स्क्वायर के साथ इन टू में वाई है और इन टू में आपका क्या है, जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? तो मेरे ख्याल से प्लस और माइनस में अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस और माइनस का पूरा खेल हमारा किसका है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का। अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई में हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारा बेस सेम रहता है तो मल्टीप्लाई करते समय उस बेस के जो एक्सपोनेंट हैं वो जुड़ जाते हैं और डिवाइड करते समय उस बेस के एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4 दिया है तो मैं इसे क्या लिखूंगा, x की पावर 5 माइनस 4 मेरा कितना हो गया, x। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवीजन में हमें बस यही देखना है कि जिनका बेस सेम है उनके जो ऊपर के एक्सपोनेंट हैं वो प्लस और माइनस होते हैं कि नहीं। ठीक है, अब जैसे देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लाता हूँ, मेरे को दिया है 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 4x स्क्वायर माइनस 5y से। तो आपने देखा ये 3x स्क्वायर पूरा एक टर्म है और 4x स्क्वायर माइनस 5y ब्रैकेट में दिया है, मतलब ये एक टर्म है। तो इसका मतलब पहले 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर में होगा और फिर 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 5y में होगा, माइनस 5y में। तो इनटू करते वक्त कभी भी इनटू अगर कोई चीज़ करी जाती है, जैसे मैं बोलूँ 2x स्क्वायर इनटू 3y एक्स, मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, तो इनटू हमेशा नंबरों का नंबरों के साथ होता है और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। लेकिन हमें मालूम है कि वेरिएबल जो होते हैं उनका जब नीचे का बेस सेम होगा तभी ऊपर के एक्सपोनेंट मिलेंगे। तो देखिए 2 3 जो हो गया 6 और x की यहाँ पे पावर 2 है, इन टू में यहाँ पे पावर 1 है, तो x की पावर 3 हो गई और y की पावर 1 ही रही, तो आंसर हो गया मेरा 6x³y। तो यहाँ पे 3 4 जा कितना हो गया 12 और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4।
फोर, यहाँ पे हो गया 3 5 जा 15 और एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। अगला क्वेश्चन जो आपके पास आता है वो आता है, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 3x-2 × 2x² - 3y। अब आप देख रहे हैं कि पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें केवल एक ही टर्म थी, अब यहाँ पे इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसका मतलब पहले 3x का मल्टीप्लाई आपका 2x² - 3y में होगा और फिर -2 का भी मल्टीप्लाई 2x² - 3y में होगा, क्योंकि इसके दोनों टर्म की लड़ाई इसके दोनों टर्म से होगी। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 2 जा 6, यहाँ पे x की पावर 1 है तो 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 3 जा 9 एक्स वाई, यहाँ पे आइए 2 2 जा 4 x² माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 और केवल y है, ये हो गया y। x³ है यहाँ पे, xy है यहाँ पे, x² है यहाँ पे, यहाँ पे सारी की सारी टर्म आपकी क्या है, आपस में अनलाइक है, इसका मतलब आपका आंसर ये रहा। आगे आपको मेरा समझ में जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, तो इनटू में बस यही हमें देखना है कि कैसे इनटू हो रहा है। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कुछ, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी एक जो यहाँ पे बताई गई है, तो इस एक्सरसाइज के हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आ जाइए आप चैलेंज वाले क्वेश्चन पे ही, जो चैलेंज वाला क्वेश्चन है, देखिए इन्होंने क्या लिखा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। ठीक है, आपको बोला गया है, आप इसको ऐसे समझिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टू गेट 3, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टू गेट 3, इसे आप क्या लिखते हैं 5 - 3। ठीक है, इसका मतलब जो ये वाली पूरी टर्म है ये मेरी 5 है और ये वाली पूरी टर्म मेरी क्या है 3, तो मेरी 5 वाली टर्म क्या है, देखिए आपको दिया गया है 8a² b² - 9a³ + 11y³, ये दिया है, ये मेरा 5 हो गया और मुझे करना क्या था 5 - 3। अब मैं पहले 3 लिख देता हूँ, तो 3 मेरे को -6y³ दिया है, मैंने यहाँ पे -6y³ लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये था मेरा 5 और ये था मेरा 3 और मुझे करना क्या था 5 - 3, तो 3 की जो टर्म है वो मेरी -6y³ है, तो इसकी साइन मेरी बदल जाएगी क्योंकि मुझे -3 करना है। 8a² b² वैसे का वैसे ही उतर गया, -9a³ वैसे का वैसे ही उतर गया, y³ लाइक टर्म है, इसमें +11 दिया है और यहाँ पे कितना दिया है +6, 11 6 कितना हो गया 17, आपका आंसर आ गया 8a² - 9a³ + 17y³। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। अगला क्वेश्चन जो इन्होंने दिया है वो मैं आपके सामने लेता हूँ, ये वाला, सातवां क्वेश्चन, हाउ मच x² + 2x + 1 इज ग्रेटर देन x² - 2x + 1। अब आप इसे ऐसे समझिए, हाउ मच इज 7 ग्रेटर देन 3। अगर मैं बोलूं हाउ मच इज 7 ग्रेटर देन 3, तो आप क्या करोगे, 7 - 3 करोगे,
इसका मतलब पहले मुझे 7 लिखना है, तो 7 मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मुझे पहले तो माइनस 3 करना है, तो पहले मुझे 3 लिखना है। 3 में मुझे पहले एक्स स्क्वायर दिया, उसको मैं एक्स स्क्वायर के नीचे लिख दिया, माइनस 2x को माइनस 2x के नीचे लिख दिया, और 1 को कॉन्स्टेंट है उसको यहाँ लिख दिया। यहाँ तक आ गया, आपने 7 लिख दिया और आपने 3 लिख दिया। अब आपको करना क्या है, 7 में से 3 घटाना है। तो 3 तो मेरी पूरी की पूरी ये टर्म है, और इसके बाहर अगर माइनस की साइन है तो ये प्लस जो है वो माइनस में बदल गया, ये माइनस किस में बदल गया, प्लस में बदल गया, और ये प्लस किस में बदल गया, माइनस में बदल गया। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और प्लस 2x, और प्लस 2x कितना हो गया, 4x। तो आपका आंसर कितना आ गया, 4x। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यही प्लस माइनस है, मेरे ख्याल से आपको इस वाले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। आपको अगर प्लस माइनस समझ में आ गया है तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में मैंने आपको बस इतना बताया है कि मल्टीप्लाई में जो आपका जो बेस है वो सेम रहेगा, तभी आपके ऊपर के एक्सपोनेंट प्लस होंगे। जैसे मुझे किसी ने बोला एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, तो मैं देख रहा हूँ एक्स और एक्स सेम है, तो एक्स हो गया 1 का 2, 1 का 1, कितना क्या क्यूब हो गया। यहाँ पे वाई वन है, यहाँ पे वाई वन है, तो वाई स्क्वायर हो गया, ये 1 है, ये 2 है, तो जेड क्यूब हो गया। ये रहा मेरा आंसर। तो इनटू कैसे करना है और इनटू में कैसे हमें लेना है, ये आपको चीज़ें समझ में आ गई। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने जो दिया गया है, मैं वही क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने बोला है कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है, ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाता हूँ, ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए, आपको दिया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई किससे करना था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक है। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मालूम है इसमें 3 टर्म है, तो ये तीनों भाई इसके तीनों भाई से लड़ेंगे। इसका मतलब पहले आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस एक्स वाई लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे, और फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब अगर ऊपर वाले के 3 टर्म इधर वाले के दूसरे वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको ऐसे करना है। अब देखिए आगे आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो सबसे पहली टर्म एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी, एक्स की पावर 4। फिर एक्स स्क्वायर को एक्स वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब वाई। फिर एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। एक्स वाई को एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब वाई, और आपके पास एक्स क्यूब वाई पहले से ही मौजूद है, तो एक्स क्यूब वाई को उसी के नीचे लिखेंगे आप एक्स क्यूब वाई। कोई दिक्कत? एक्स वाई का मल्टीप्लाई एक्स वाई में फिर से होगा तो आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में होगा तो आपको मिल जाएगी एक नई टर्म, और वो मिल जाएगी एक्स वाई क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं तीसरे वाले पे। माइनस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वाई में मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिल जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप देखिए y की पावर 2 x की पावर 2, ऊपर वाले में भी y की पावर 2 x की पावर 2, y की पावर 2 x की पावर 2, इसका मतलब ये सारी लाइक टर्म है। आगे आइए, आगे माइनस माइनस प्लस एक्स वाई क्यूब, तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स वाई क्यूब। आगे आ गया माइनस 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 प्लस माइनस, और वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो दो और दो कितना हो जाएगा? चार। अब मुझे ये सारी टर्म मिल गई, और ये सारी टर्म मेरी देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। मुझे बस अब इनको क्या करना है, इनका आंसर निकालना है, तो आंसर हम ऊपर लिखते हैं। देखिए एक्स की पावर फोर के नीचे कुछ भी नहीं है, तो एक्स की पावर फोर वैसे का वैसे ही आ गया। एक्स क्यूब वाई है, एक्स क्यूब वाई है, तो एक्स क्यूब वाई आ जाएगा। और देखिए एक के साथ माइनस वन है और एक के साथ प्लस वन है, तो माइनस वन प्लस वन कितना हो गया? जीरो। इसका मतलब ये आपका कट गया। अब आइए इस वाले पे। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तीनों में है, इस वाले में प्लस वन है, इस वाले में माइनस वन है, और इस वाले में भी माइनस वन है। प्लस वन माइनस वन कट गया, बचा कितना? माइनस वन। तो माइनस वन वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए एक्स वाई क्यूब दोनों में है, तो एक्स वाई क्यूब तो निकल गया, और प्लस वन कितना हो गया? टू। तो यहाँ पे कितना आ गया? प्लस टू वाई क्यूब। आगे आपके पास केवल माइनस वाई फोर बचा हुआ है, उसको आपने वैसे का वैसे ही लिख दिया। इस तरीके से आप इनटू करते हैं। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को? देखिए क्वेश्चन और देखिए अच्छे से। आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू थ्री एक्स माइनस नाइन, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 3x माइनस नाइन में दो टर्म हैं और इस वाले में तीन टर्म है, तो दो को इंटू करना ज़्यादा सही है। तो आपने लिखा 3x और ब्रैकेट में लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस नाइन लिया और फिर ब्रैकेट में वही चीज़ लिख दी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए 3x इंटू एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, तो 3 इंटू वन 3 हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया? एक्स क्यूब। 3 टू जै 6 एक्स स्क्वायर, और 3 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, और इंटू वाई। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? अब 9 पे आ जाइए, माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया? माइनस 9 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 18 एक्स, एक्स देखिए कहीं पे भी नहीं है, तो आपका कहाँ पे आएगा? यहाँ पे अलग। हमें लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखनी रहती है, और आपके पास लास्ट वाला है माइनस नाइन इंटू एक्स स्क्वायर वाई, तो आपका कितना आ जाएगा? माइनस नाइन एक्स स्क्वायर वाई, तो वो भी एकदम अलग ही आएगा, क्योंकि आपका कोई टर्म मौजूद नहीं है, एक्स क्यूब वाई है। तो क्या आंसर आ जाएगा? देखिए माइनस नाइन एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स क्यूब, और देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक का माइनस छः है, एक का माइनस नौ है, तो नौ छः पंद्रह माइनस फिफ्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्यूब वाई प्लस एटीन एक्स। इस तरीके से हमें इंटू करना रहता है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? अब आंसर हम इस तरीके से तो लिखते नहीं हैं, मुझे मालूम है आंसर लिखते वक्त हम
क्या देखते हैं, डिग्री। तो देखिए पहले वाले वेरिएबल में 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। दूसरे वाले में भी 3 है, इस वाले में 2 है, इस वाले में 4 है और इस वाले में 1 है। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मैं हर वेरिएबल की डिग्री लिख रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे एक्स की डिग्री लिखनी है, तो एक्स मैक्सिमम किस में है, 3 और 3, ठीक है। तो हमने जो पीछे देखा था सिंप्लीफाइड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, उसी तरीके से आंसर आने के बाद आपको लिखना रहता है। जैसे आपका आंसर आया है, मान लीजिए -12 + 3x² y - y की पावर 4 + y³। तो आप देख रहे हैं कि इसमें अधिकतर टर्म y की है, और आप देख रहे हैं इस वाले में y की पावर 3 है, इस वाले में 4 है, इस वाले में 1 है और इस वाले में कुछ भी नहीं है। तो आप कैसे आंसर लिखोगे, पहले लिखोगे -y की पावर 4, फिर लिखोगे +y³, फिर लिखोगे +3x² y, और लास्ट में क्या लिखोगे, -12। ऐसे आंसर आपको लिखना है इनटू के बाद जब आंसर आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। तो इस तरीके से आपको इनटू करना रहता है सारी चीज़ों का। तो जैसे हमारे पास, मान लीजिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप उन्हें समझ जाइए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो पांचवा क्वेश्चन है वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और आप उसे बड़े ध्यान से देखिए कैसे आंसर आ रहा है आपका। इन्होंने बोला कि है आपको इन दोनों को इनटू करना है, या इसको सॉल्व करके आंसर लाइए आप क्या आएगा आपका। तो देखिए आपका आंसर कैसे आएगा। सबसे पहले तो हमें -3x × 7x - 4 दिया, तो 3 7 जब 21 हो गया, ये हो गया आपका -21। देखिए 3 7 जब 21 हो गया, तो ये हो गया -21x². कोई दिक्कत? आगे देखिए -+3 4 जब 12x, यहाँ तक आ गया। उसके बाद +6x वैसे का वैसे ही दिया हुआ है, उसको हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया। उसके बाद माइनस के साइन के साथ पूरा ब्रैकेट है, तो इसका मतलब आपका एक नंबर आ गया -13 और एक आ गया +24x². पाँचवा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। अब आपको मालूम है ये क्वेश्चन सही तो है नहीं, क्योंकि इसमें x² यहाँ पे भी, x² यहाँ पे भी है। तो मैंने सबसे पहले x² को लिया, और मेरे पहले वाले में -21 है, और इस वाले में कितना है, +24, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने x बाहर लिया, तो मेरे पहले वाले में आ गया 12 और दूसरे वाले में कितना आ गया, 6, और लास्ट में 13 वाले के साथ तो मेरा कुछ भी नहीं है। देखिए इसका वेरिएबल एकदम अलग है, तो 24 में से 21 गया, कितना बचा, 3। तो एक आ गया आपका आंसर 3x² 12 और 6 18 18x - 13, ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। आगे जो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है छठवा क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में भी बोला है कि इसे सॉल्व करके दिखाइए। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, ए का मल्टीप्लाई पहले a² + b² में करिए, तो आपको मिल जाएगा ए का मल्टीप्लाई a² में हुआ तो आपके पास क्या आ गया, a³। फिर ए का मल्टीप्लाई b² में हुआ तो क्या आ गया, ab² बी का मल्टीप्लाई a² में हुआ तो क्या आ गया, -ba² और फिर -b का मल्टीप्लाई +b² में हुआ तो क्या आ गया, -b³। यहाँ तक आ गया। अब हमारे पास जो ये दूसरी टर्म दी है उसे देखिए, a² कितना हो गया, a³। उसके बाद प्लस a और -b², तो ये कितना हो गया, -ab² उसके बाद प्लस b² कितना हो गया, +ba² और +b - b² कितना हो गया, -b³। यहाँ तक आ गया।
अब देखिए, हमें जो ये वाली टर्म हमने इस वाली टर्म को सॉल्व किया और वो यहाँ पे आ गया, इस वाली टर्म को सॉल्व किया और वो यहाँ पे आ गया, और दोनों के बीच में हमारा क्या लगा हुआ है, दोनों के बीच में हमारा प्लस लगा हुआ है, ठीक है, दोनों के बीच में हमारा क्या लगा है, प्लस। तो इसका मतलब मुझे इसको और इसको क्या करना है, प्लस, तो मेरी साइन तो बदलेगी नहीं, तो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी ए स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए क्यूब के आगे वन है, इस वाले ए क्यूब के आगे वन है, तो ये कितना हो गया, टू ए क्यूब, बी क्यूब के आगे माइनस वन है, इस वाले बी क्यूब के आगे माइनस वन है, तो ये कितना हो गया, माइनस टू बी क्यूब, आपका आंसर आ गया, टू ए क्यूब माइनस टू बी क्यूब। तो मेरे ख्याल से इन टू में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, चौथे का चौथा पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, क्वेश्चन नंबर फोर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है आपको, 3x4 - x² + 6x - 7 को x² - 3x + 4 से इंटू करना है। तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरे में करूँगा, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो आपके पास पहली टर्म आएगी 3x की पावर 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई दूसरे में हुआ तो कितना आ गया, -x की पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई तीसरे में हुआ तो कितना आ गया, +6x², और फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस, अच्छा 6x * x² कितना हो गया, 6x³, और फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई -7 में हुआ तो कितना हो गया, -7x². यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमने अभी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन पूरे में कर दिया, अब -3x का करूँगा तो सबसे पहले तो देख लीजिए, -3x का मल्टीप्लाई आप करेंगे x की पावर 4 से, तो 4 और 1, -3x * 3x की पावर 4 आप करेंगे तो x * x की पावर 4 x की पावर 5 हो जाएगा और -9x की पावर 5 आएगा, और आपके ऊपर वाले में अभी तक कोई -9x की पावर 5 वाली टर्म नहीं आई है, इसका मतलब -9x की पावर 5 को आपको कहाँ लिखना होगा, अलग। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? 4 2 6, 2 2 4, 2 1 3 और आपका 2, और तो आपका -3x का मल्टीप्लाई इसमें हो गया। अब आता है आपका 3 का, तो आपके पास देखिए -3x का मल्टीप्लाई अब आपको किस में करना है, -x² में, -+3x³, ठीक है। उसके बाद -3x का मल्टीप्लाई 6x में करेंगे तो x² वाली टर्म आएगी -18x², और उसके बाद -3x का मल्टीप्लाई -7 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 21x, जो आपके पास है नहीं, तो एक टर्म और आ गई, वो आपने यहाँ पे लिख दी 21x, कोई दिक्कत? अब आपके पास +4 है, तो +4 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो 4 3 के 12 और x की पावर 4, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 12x की पावर 4। आगे देखिए, 4 का मल्टीप्लाई जब -x² में करेंगे तो आपको मिल जाएगा -4x², तो यहाँ पे आ जाएगा -4x², और +4 का मल्टीप्लाई 6x में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 24x, तो 21x के साथ आपका क्या आ गया, 24x, ठीक है। और 4 का मल्टीप्लाई -7 में करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 28, वो भी उसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो -28 आपके पास आ गया। यहाँ तक आ गए, इतने टर्म आपके निकल गए, अब आपको इन टर्मों को बस अरेंज करना है। तो देखिए, सबसे मैक्सिमम पावर 3x की पावर 6 थी, तो आपने पहला नंबर लिख दिया 3x की पावर 6। अब आप 5 पे आइए, 5 में आपके पास केवल एक ही टर्म है, ये वाली, तो आपने उसको वैसे का वैसे ही लिख दिया -9x की पावर 5। अब आइए आप 4 पे, 4 में आपके पास +12 है और -1 है, तो 12 में से एक गया, कितना बचा, 11, ये हो गया आपका 11x की पावर 4, ठीक है।
अब चार के बाद आइए तीन पे, 6 और 3 9 x³ है, एक्स क्यूब है तो ये कितना हो गया -9 x³। 3 के बाद आइए 2 पे, -7 -18 -4, 18 4 22, 22 7 29, -29 x². अब 2 के बाद आएंगे हम 1 पे, 1 में आपके पास 21 है और 24 है तो 2 2 4 4 1 5 45 x। और अब x के बाद अगर हमारे पास अब x की पावर यहाँ तक 1 आ गई तो अगली पावर x की पावर 0 होगी, और x की पावर 0 किसकी होती है, कांस्टेंट नंबर की, जो मेरा कितना है -28। आ गया आपको यहाँ तक? तो ये है आपका इनटू, जो आपने बिल्कुल बढ़िया से समझ लिया। आप इनटू करते जाइए, और इनटू करने का मतलब ये है जो लाइक टर्म जिसके नीचे आ रही है उसको उसी के नीचे लिखते जाइए, क्योंकि आपको मालूम है वही चीज़ आपको बाद में जोड़नी है। तो लाइक टर्म आपको लेनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन हम लेते हैं चौथे का पहला, चौथे का पहला मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए क्या दिया है, यह हम चौथे का पहला ही करते हैं। देखिए ए का मल्टीप्लाई पहले ए में हुआ तो ए स्क्वायर हो गया, फिर ए का मल्टीप्लाई माइनस बी में हुआ तो माइनस ए बी हो गया, फिर ए का मल्टीप्लाई ए सी में हुआ तो माइनस ए सी हो गया, माइनस बी का मल्टीप्लाई ए में होगा तो माइनस बी ए हो जाएगा, माइनस बी का मल्टीप्लाई माइनस बी में होगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, जो मेरा कहीं पे भी नहीं है, और माइनस बी का मल्टीप्लाई जब माइनस सी में होगा तो प्लस बी सी हो जाएगा, जो मेरा कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ कहीं पे भी नहीं रहती उसे अलग लिखा जाता है। अब हमारे पास बच गया क्या, प्लस सी, प्लस सी का मल्टीप्लाई ए में हुआ तो ए सी हो गया, प्लस सी का मल्टीप्लाई माइनस बी में हुआ तो माइनस बी सी हो गया, और प्लस सी का मल्टीप्लाई माइनस सी में हुआ तो माइनस सी स्क्वायर हो गया, जो मेरा कहीं पे भी नहीं है। इतनी टर्म आ गई आपकी। अब आप इसे देख लीजिए, देखिए ए स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, ए स्क्वायर आ गया, माइनस सी स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, माइनस सी स्क्वायर आ गया, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर के साथ भी कुछ भी नहीं है, प्लस बी स्क्वायर आ गया। इतना तो आ गया, ये टर्म ख़त्म हो गई, ये टर्म ख़त्म हो गई, ये टर्म ख़त्म हो गई। माइनस ए बी दोनों का ए बी है, एक के आगे -1 एक के आगे -1 तो ये हो गया -2 AB। ए सी ए सी कैंसिल हो गया क्योंकि एक के आगे -1 एक के आगे +1 है, एक के आगे +1 एक के आगे -1 ये भी कट गया, आपका आंसर आ गया ये। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? तो मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज में भी कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए चैलेंज वाला क्वेश्चन देखते हैं, और चैलेंज वाला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखिए इनमें से किसका प्रोडक्ट आपका ये आएगा, ठीक है, चैलेंज का क्वेश्चन है ये। तो आप देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, 30A² है, 11AB है, 30A² है, 11AB है, और -30B² है, जो आपको लेके आना है, ठीक है। आइए अब हम मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है क्वेश्चन। ये आपको ये पता चल गया कि ये आंसर आना चाहिए, और नीचे सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में दे रखी हैं। पहले वाले को चेक करते हैं, अगर 5A का मल्टीप्लाई 6A में होगा तो आपको मिल जाएगा 30A², बिल्कुल सही। 5A का मल्टीप्लाई -5B में होगा तो आपको मिल जाएगा -25AB, ठीक है। अब -6B का मल्टीप्लाई जब मैं 6A में करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, -36AB, और -6B का मल्टीप्लाई जब 5B में करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 30B², और वो भी प्लस में। तो आपको माइनस में चाहिए, यहाँ पे प्लस में आ रहा है, इसका मतलब पहला वाला तो आंसर नहीं होगा। अब आइए दूसरे वाले पे, दूसरा जो है ऑप्शन उसे देखेंगे हम लोग। देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले 5A का मल्टीप्लाई 6A में हुआ तो आपको क्या मिल गया, 30A², और 5A का मल्टीप्लाई -5B में हुआ तो आपको क्या मिल गया, -25AB। अब आते हैं हम लोग आगे,
प्लस सिक्स बी का मल्टीप्लाई प्लस सिक्स ए बी में हो गया तो आपको क्या मिल गया, प्लस 36 ए बी। उसको ए बी को ए बी के नीचे ही लिखेंगे। और प्लस सिक्स बी का मल्टीप्लाई जब माइनस फाइव बी में हुआ तो आपको क्या मिल गया, माइनस 30 बी स्क्वायर। अब आ जाइए नीचे, 30 ए स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, माइनस 30 बी स्क्वायर के साथ भी कुछ भी नहीं है, और इस वाले ए बी के साथ माइनस 25 और 36 है, तो 36 में से 25 किया 11 और 36 बड़ा है 11 ए बी। देखिए आपका आंसर आ गया और यही आपको निकालना था, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आगे आइए। तो अभी हम लोगों ने पीछे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के प्लस माइनस और इनटू को देखा, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सभी लोग अपना कॉपी कलम उठा लें और मुझे बताएं कि ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर ए और 4b स्क्वायर ए, ये तीन टर्म मैंने आपको दी है और आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या ये तीनों टर्म हमारी लाइक टर्म हैं? तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि हर में मेरी a की पावर 1 है और b की पावर 2 है, इसका मतलब ये मेरी लाइक टर्म है। और लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, प्लस और माइनस में। हमेशा आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई चीज़ें आप लिखेंगे तो उसमें जब भी आपको प्लस माइनस या कुछ भी करना होगा, उस समय पे हर के नीचे जो आपकी लाइक टर्म है उसे उसके नीचे ही आपको लिखना है। और आप देख रहे हैं कि मैंने 4a स्क्वायर अलग लिखा, 4a 5a एक जगह लिखा, 2ab माइनस 5ab एक जगह लिखा। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, जैसे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई माइनस वाई जेड, आपको बोला गया है कि इसे आपको इंटू करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट इनटू वाले हैं और दोनों में दो दो टर्म हैं, तो सबसे पहले आपके एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स वाई में हुआ तो कितना हो गया, एक्स क्यूब वाई। उसके बाद आपका प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और आपके एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, वाई के साथ भी कुछ नहीं है और जेड के साथ भी कुछ नहीं है। यहाँ तक आ गया आपको। अब हम करेंगे माइनस 4 का मल्टीप्लाई, माइनस 4 का मल्टीप्लाई अब हम करेंगे तो माइनस 4 इंटू एक्स वाई कितना हो गया, माइनस 4xy। यहाँ पे कोई टर्म आपको दिख रही है, नहीं दिख रही, इसका मतलब माइनस 4xy आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद माइनस 4 का मल्टीप्लाई जब माइनस वाई जेड में होगा तो माइनस माइनस प्लस और 4yz, 4yz भी आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो आप 4yz को अलग लिखेंगे। सारी चीज़ें अलग हैं, आपको सारे टर्म देखने हैं, ये आपका टर्म प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो आपका आंसर आएगा एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस 4xy प्लस 4yz। इस तरीके से हमें ये चीज़ें करनी है, तो मेरे ख्याल से आपको इनटू प्लस और माइनस में आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए ज़रा मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर ही लिए हैं। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी, और इस पहली एक्सरसाइज में जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हम हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको बोला गया है, चौथा क्वेश्चन है, डिग्री बतानी है आपको थर्ड की डिग्री बतानी है। तो यहाँ पे डिग्री किसकी बतानी है, डिग्री इन टू वेरिएबल दिया गया है। तो दो वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट की डिग्री देखते हैं। पहले वाले की 2 और 3 कितना हो गया, 5, दूसरे वाले का 2, और तीसरे वाले में x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, तो ये भी 2। सबसे बड़ा कितना है, 5, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? छठवें क्वेश्चन में आपसे लाइक टर्म पूछा जा रहा है, तो मैंने बताया लाइक टर्म में आपको लिटरल कोएफिशिएंट देखने रहते हैं, और लिटरल कोएफिशिएंट में जितने भी आपके पास एक्स वाई जेड रहेंगे उनकी पावर आपकी सेम रहनी चाहिए, ठीक है आगे आइए।
आगे इन्होंने प्लस माइनस बताया है, और प्लस माइनस मैंने आपको बता दिया था, तभी भी आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। इन्होंने बोला है सब्ट्रैक्ट 23xy माइनस 6x² प्लस 8a² माइनस 1 फ्रॉम दिस। तो सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम b करना है, इसका मतलब मुझे पहले b लिखना होगा, फिर मुझे a लिखना होगा। तो आप सबसे पहले b की पूरी टर्म लिखेंगे, फिर a की पूरी टर्म लिखेंगे। तो मान लीजिए जो a की टर्म है वो मैं आपको लिख देता हूँ, 23xy माइनस 6x² प्लस 8a² माइनस 1, और b की टर्म है आपकी 35x² दिया है, तो वो 35x² x² के साथ होगा। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को, चौथे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। आपको बोला है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। अब आपके पास, आपको मालूम है सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी बोला गया है, तो मुझे बी माइनस ए करना है, तो मैंने पहले बी लिख दिया, 35 x² उसके बाद प्लस 8xy माइनस 4b² और माइनस 2। ये मेरी कौन सी टर्म है, बी। ए टर्म मेरी कौन सी है, 23xy माइनस 6x² प्लस 8a² 8a² आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो आप 8a² को अलग से लिख देंगे यहाँ पे, 8a² और उसके बाद माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 2 के नीचे आ जाएगा, कांस्टेंट है। अब आपको क्या करना है, आपको बोला गया है b माइनस a करना है। तो अगर मुझे b ये दिया है, a ये दिया है, और मुझे b माइनस a करना है, तो मेरी a के जितने भी हैं उनकी टर्म बदल जाए, उनका साइन बदल जाएगा, और साइन बदला तो आपका माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, आपका माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। और ये जो 8a² आया था, ये हमारा प्लस का क्या हो गया, माइनस। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अब आप इन्हें देख लीजिए, 35 प्लस 35 और प्लस 6 कितना हो गया, 41x², 8 माइनस 23 और 8 है, 15 8 23 होता है, माइनस 23 आपका बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया माइनस 15xy। माइनस 4b² के साथ कुछ भी नहीं है, वैसे ही लिख देंगे। माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 1, और आपका क्या बचा है, माइनस 8a², ये रहा आपका आंसर। और मुझे मालूम है आंसर हमेशा डिग्री वाइज लिखते हैं, तो पहले मैं लिखूँगा 41x², उसके बाद मैं लिखूँगा माइनस 15xy, उसके बाद मैं लिखूँगा माइनस 8a², फिर माइनस 4b², और लास्ट में लिखूँगा माइनस 1। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए आप। तो हमने देखा, आपको यही समझना है जो मैंने लास्ट बार में आपको ये चीज़ें बता दे रहा हूँ, और अपने दिमाग में ये चीज़ रखिएगा कि कभी भी माइनस 2 इंटू आपको 3x माइनस 2y कहा गया है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी नंबर आता है तो वो दोनों में ही मल्टीप्लाई होता है, इन चीज़ों को आप भूलिएगा मत। अगर मैं यहाँ पे x माइनस 2 इंटू हाफ x प्लस 4 दिया गया है, तो आपको मालूम है पहले x का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, तो पहली टर्म हो जाएगी आपकी हाफ x² और दूसरी टर्म हो जाएगी 4x। माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1/2 में होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स आ गया आपके पास, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई प्लस 4 में होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 8। तो आपका आंसर आ गया हाफ x², 4x माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 8, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो चलिए हम लोग अब लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो हमारा डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन में। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ में, कोई
तो डिवाइड जब भी आप सीखेंगे या डिवाइड जब भी आपको सीखना है तो आप क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने पीछे देखा कि अगर हमें एक्स क्यूब वाई इंटू वाई क्यूब जेड क्यूब और इंटू एक्स क्यूब अगर मुझे करना है, और मैंने बताया था कि इंटू को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जब आपको डॉट दिया रहता है, ठीक है, तो आपको इन्हें इंटू करना है। तो इंटू में मैंने आपको बताया था कि आपके नीचे के बेस सेम रहने चाहिए, तो आप देख रहे हो एक्स और एक्स के बेस सेम है तो तीन और तीन कितना हो गया छः, वाई और वाई का बेस सेम है तो तीन और एक कितना हो गया चार, और जेड के साथ कुछ भी नहीं है तो ये हो गया एक्स सिक्स वाई की पावर फोर जेड क्यूब। ये तो था इंटू का। अब इंटू के साथ आता है अब डिवाइड। तो डिवाइड आपको समझना है, जैसे मैंने लिखा एक्स ए अपॉन एक्स बी लिख के आपको दे दे या एक्स ए डिवाइड एक्स बी दे दे, इसमें भी आपका बेस सेम रहना चाहिए। तो आपके पास पहली वाली, इसमें बस ध्यान रखना है ऊपर वाला वही रहेगा और नीचे के एक्सपोनेंट के साथ आपकी कौन सी साइन लग जाती है, माइनस बी। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है माइनस थ्री बाय टू एक्स वाई को डिवाइड करिए 15 बाय थ्री एक्स वाई क्यूब से। मान लीजिए आपने किसी ने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब आप देख रहे हैं कि जो मेरी पहली वाली टर्म है उसमें माइनस थ्री बाय टू मेरा क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर, एक्स वाई मेरा क्या है लिटरल फैक्टर, और 15 बाय थ्री मेरा क्या है न्यूमेरिकल फैक्टर, और एक्स वाई क्यूब मेरा क्या है लिटरल फैक्टर। तो कभी भी आप डिवाइड करेंगे तो उसमें भी आपको यही करना है, माइनस थ्री बाय टू का डिवाइड किससे होगा 15 बाय थ्री से, और एक्स वाई का डिवाइड किससे होगा एक्स वाई क्यूब से। देखिए मैंने एक्स वाई क्यूब डिवाइड करके लिखा हुआ है, यही आपको देखना है, नंबर का नंबर के साथ डिवाइड और इसका इसके साथ, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपको मालूम है कि डिवाइड जब भी रहता है तो वो नंबर आपके उल्टे हो जाते हैं, तो ये हो गया आपका कितना 3/15। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की पावर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, दोनों का बेस सेम है तो 1-1 कितना हो गया 0, और x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 को लिखने की तो ज़रूरत है नहीं। अब आइए आप यहाँ पे y की पावर है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो इसका मतलब y की पावर कितनी हो जाएगी 1-3, और 1-3 मेरा कितना होता है -2। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई, तो आपका आंसर क्या आएगा देखिए, आपका आंसर आएगा 3×3=9 -9 अपौन 15×2=30, और y की पावर -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/y², तो आपका आंसर हो गया -9/30y². और आपको ये भी मालूम है 3×1=3, 3×5=15 कट भी सकता था, तो आप 9/30 को 3/10 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई, आगे देखिए। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमें इसको इससे डिवाइड करना है, मतलब ये ए है और ये बी है, और मुझे करना क्या है ए बाय बी, तो मैंने -81 लिखा इंटू ए की पावर 5 लिखा, बी की पावर 4 लिखा और सी क्यूब लिखा, ठीक है, अपॉन डिवाइड में मेरा क्या है -9 है, फिर ए स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर है और फिर सी है। अब मुझे डिवाइड करना है तो माइनस माइनस तो मेरा कट गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 9×9=81, नंबर को नंबर के साथ करना है मैंने कर दिया, इन दोनों का बेस सेम है, 5-2 कितना हो गया 3, इन दोनों का बेस सेम है 4-2 कितना हो गया 2, इन दोनों का बेस सेम है तो 3-1 कितना हो गया 2, ये रहा आपका आंसर। तो हमने देखा कि डिवाइड और मल्टीप्लाई इन दोनों में ही आपको क्या देखना है, आपको बस जो नीचे के मेरे बेस हैं वो देखने हैं। अब जैसे आपसे ये ए की पावर बी इंटू ए की पावर माइनस फोर पूछा गया है, तो ए अगर मेरा बेस सेम है तो ए की पावर मेरी कितनी हो जाएगी b-4 इसलिए होगी क्योंकि ये दोनों पावर आपकी प्लस होगी, तो आप लिखोगे b
प्लस और दूसरी पावर मेरी कितनी है माइनस फोर, और प्लस माइनस माइनस होता है तो आपका आंसर हो जाएगा बी माइनस फोर। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? तो मेरे ख्याल से डिवाइड, अभी आपने जो डिवाइड देखा वो आपने किस टाइप का देखा, इस टाइप का। जैसे देखिए आपको 3x इंटू 2x माइनस 4y दिया है, और दूसरा आपको दिया है 3x डिवाइड 4 बाई 3 एक्स स्क्वायर वाई। तो ये दोनों डिवाइड में आप देख रहे हो कि एक आपकी बाइनोमियल टर्म है और एक आपकी मोनोमियल टर्म है। तो मोनोमियल और बाइनोमियल का आपने मल्टीप्लिकेशन देख लिया, और मोनोमियल और बाइनोमियल का आपने डिवीजन देख लिया, ठीक है। मोनोमियल और बाइनोमियल के डिवीजन का जैसे आपको एक मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपके सामने ये एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इस टर्म को हाफ ए बी सी से डिवाइड करना है। तो आप मुझे, हमें ये वाली टर्म क्या दी है, ट्राइनोमियल दी है, एक टर्म ये, एक टर्म ये की, ये टर्म ट्राइनोमियल है और ये टर्म मेरी क्या है, मोनोमियल। तो मोनोमियल से डिवीजन का मतलब क्या हुआ, देखिए आपको पहली टर्म दी है 3/4 ए बी स्क्वायर सी क्यूब, ठीक है। दूसरी टर्म आपको कुछ दी हुई है और तीसरी टर्म भी आपको कुछ दी हुई है, तीन टर्म आपको दी है और उनको किसी एक टर्म नीचे से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब इस चीज़ का डिवीज़न इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, क्योंकि तीनों का नीचे का बेस सेम हो जाएगा अगर मुझे डिवाइड करना है। तो इसका मतलब मैं तीनों को अलग अलग डिवाइड करूँगा। जैसे मल्टीप्लाई हम करते हैं जब भी 2x और ब्रैकेट में 3x माइनस 2y लिखा रहता है तो 2x का मल्टीप्लाई दोनों में ही होता है, उसी तरीके से अगर हाफ ए बी सी नीचे है तो इसका मतलब इसका डिवीज़न तीनों में ही होगा। तो हम देख लेते हैं एक एक और आप समझ जाएंगे कि कैसे डिवीजन होगा। पहला टर्म आपको दिया है 3/4 ए बी स्क्वायर सी क्यूब, और इसे मुझे किससे डिवाइड करना है, हाफ ए बी सी से। तो आपको मालूम है सबसे पहले मैं 3/4 को 1/2 से डिवाइड करूँगा, तो 3/4 डिवाइड 1/2 करूँगा तो वो इंटू 2 हो जाएगा, और 2 जब 4 हो गया आपके पास कितना आ गया, 3/2। ए और ए की पावर सेम है, इसका भी 1 इसका भी 1, 1-1 0 हो गया तो ए की कोई पावर नहीं आएगी। बी में आपका 2 और 1 है तो 2-1 कितना हो गया, 1, ये हो गया बी। और सी हो गया 3 और 1 तो 3-1 कितना हो गया, 2। आपका पहले वाले का आंसर आ गया 3/2 बी सी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? तो आपने देखा कि 3/4 ए बी स्क्वायर को जब मैंने हाफ ए बी सी से डिवाइड किया तो मेरा 3/2 बी सी स्क्वायर हो गया। अब आप इस वाले को डिवाइड अगर हाफ ए बी सी करेंगे तो -2/5 को 1/2 से डिवाइड करना है इंटू 2, आपका कितना हो गया, -4/5। ए की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2-1 कितना हो गया, 1। 2-1 कितना हो गया, 1। और सी का 2-1 कितना हो गया, 1। देखिए -4/5 ए बी सी आ गया। तो आपने ये समझा कि कोई भी नंबर अगर दिया हो, ट्राइनोमियल दिया हो, बाइनोमियल दिया हो, मोनोमियल दिया हो, और अगर उसका डिवीजन आप किसी मोनोमियल से कर रहे हो तो ट्राइनोमियल के जितने टर्म रहेंगे उन सारे टर्मों का डिवीजन आपका मोनोमियल के एक टर्म के साथ होगा। जैसे किसी ने लिखा अगर a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी को डिवाइड करो तो इसका मतलब होता है a अपॉन डी को होगा, b अपॉन डी होगा और c अपॉन डी होगा। तीनों टर्म आपको अलग अलग ले लेनी है, जो मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल है आपका। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो अभी आपने जो डिवीजन सीखा वो सीखा किसका, किसी मोनोमियल टर्म को किसी बाइनोमियल ट्राइनोमियल या मोनोमियल से ही डिवाइड करने का हमने अभी सीखा। अब जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में दो बाइनोमियल को इंटू करना सीखा था, उसी तरीके से अब हम डिवीजन में भी
किसी बाइनोमियल टर्म को किसी बाइनोमियल टर्म के साथ डिवाइड कैसे करेंगे वो सीखना है। ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको लिखा 2x² - 4 को x - 2 से डिवाइड करो। अब यहाँ पे डिवीजन में आप देख रहे हो कि पहली वाली टर्म भी मेरी बाइनोमियल है और दूसरी वाली टर्म भी मेरी बाइनोमियल है। ये वाली टर्म बाइनोमियल इसलिए है, इसमें एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही। तो ऐसे में आप देख रहे हो कि ये मेरा पूरा का पूरा डिनोमिनेटर नीचे है, तो आपको 2x² को भी x - 2 से डिवाइड करना होगा और -4 को भी x - 2 से डिवाइड करना होगा, जो मैंने आपको सिखाया नहीं है। अगर यही चीज़ आपकी 2x² - 4 डिवाइड 3x होता, केवल 3x होता, तो आप देखते ऊपर वाला बाइनोमियल है और नीचे वाला मोनोमियल है, तो मेरा आंसर हो जाता 2x² / 3x - 4/3x। तो आपका 2/3 आ गया और 2 - 1 कितना हो गया, x - 4/3x आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो डिवीज़न में हमेशा हमें डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान देना है कि वो डिनोमिनेटर मेरा क्या है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, a डिवाइड b अगर लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है a × 1/b, ठीक है। nth रूट अगर किसी का भी आप निकालते हो तो उसका मतलब होता है a की पावर 1/n, और अगर a की पावर आपको 3 दे रखा है और ब्रैकेट मार के अगर आपको -2 दे रखा है तो इसका मतलब होता है a की पावर 3 × -2। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी जानकारी में रहनी चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको a क्यूब की वैल्यू मान लीजिए उन्होंने 8x⁶ दी है और आपसे कोई पूछ रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी और a² की वैल्यू क्या होगी, तो आपको मालूम है अगर क्यूब है तो मुझे क्यूब रूट a की वैल्यू निकालनी होगी, तो मुझे दोनों तरफ क्या करना होगा, क्यूब रूट। और मुझे ये भी मालूम है कि क्यूब रूट अगर किसी भी नंबर का निकालते हैं तो उसका मतलब उसकी पावर कितनी चढ़ जाती है, 1/3। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब a क्यूब वाली जो चीज़ है आपकी वो हो गई आपकी a, क्योंकि ये आपका a की पावर 3 और 1/3 आ जाएगा तो 3 × 1/3 कट जाएगा और आपका a आ गया। अब इस तरफ आइए, 8 हो गया आपका 2³ और x की पावर 6। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर मेरे ab की पावर ब्रैकेट के बाहर कुछ लगी हुई है तो उस पावर को हम दोनों में ही इंटू करते हैं अगर वो ब्रैकेट के बाहर लगी है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका जो 2³ × x⁶ आया है उसकी पावर कितनी है आपकी, क्यूब रूट लगाए तो आ गया 1/3। तो इसका मतलब 2³ में भी 1/3 का इंटू होगा और x⁶ में भी 1/3 का इंटू होगा। तो 3 से 3 कट गया आपका 2 आ गया और 3 × 2 = 6 आपका कितना आ गया, x². इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी, 2x². अब आपको चेक करना हो अगर कि मेरा सही आया है कि नहीं आंसर, तो आप देखोगे कि अगर a की वैल्यू 2x² है और आपसे कोई पूछ रहा है a की पावर 4 क्या होगा और a क्यूब क्या होगा, तो अगर मुझसे 4 पूछा है तो मैं इसकी पावर 4 चढ़ाऊँगा, और अगर ब्रैकेट की पावर पूरी 4 है तो 2 की पावर 4 हो गया 16 और 2 4 जा कितना हो गया, 8। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है।